हेलो एवरीवन, सो गाइस स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्पेशल एजुकेशन पर। गाइस मैं निरंजन, आपका अपना स्पेशल एजुकेटर। गाइस मैं आज आपके सामने लेकर के आऊँ शब्द रचना, यानी कि आज हम इन शब्द के द्वारा बच्चे को हिंदी का कॉन्सेप्ट सिखा सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि कई बार बच्चे हिंदी लिखने के अंदर या हिंदी पढ़ने के अंदर या हिंदी को समझने के अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि आपको पता है कि कुछ कुछ शब्दों का जो स्वर है वो एक जैसे निकलता है, जैसे क ख, तो बच्चे कई बार क और ख में कन्फ्यूज हो जाते हैं, ग घ और ता था। यानी कुछ कुछ जो हमारे जो स्वर होते हैं जिनके जो हम बोलते हैं बच्चे वो चीज़ नहीं समझ पाती है। तो गाइस आज हम इनके द्वारा बच्चे को हिंदी का कॉन्सेप्ट सिखा सकते हैं। तो गाइस आज हमारे सामने आदि है, जो कि आज हमारी इस वीडियो के अंदर, हमारी इस एक्टिविटी के अंदर हमारी हेल्प करेगा। सुनाओ गाइस, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सुनाओ, हेलो 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 हेलो। ओके गाइस, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अगर बच्चा हम जो सिखा रहे हैं, अगर बच्चा नहीं समझ पा रहा है, तो हम उसके लिए बच्चे को हम हेल्प ये दे सकते हैं। जैसे हमने लिखा र था, वेरी गुड। क्या लिखा है ये? रथ। देखो पहले रथ, आराम से ऐसे, वेरी गुड। ओके अब लिखो द स, दस। देखो ऐसे, ये क्या लिखा है? द स दस। क्या लिखा है ये? वेरी गुड। देखो दस से क्या होता है? वेरी गुड। और सात से? वेरी नाइस। तो दोनों को उठा के मिक्स कर दो, ज्वाइन कर दो, द स दस। ये क्या लिखा है? द स दस। द स दस, वेरी गुड। क्या बनाइए? वेरी नाइस। और ये रथा, नहीं रथ, रथ, द स दस। ओके सो अब हम लिखेंगे ज ग, जग। वेरी गुड, गिव मी हाई टेन। ओके अब हम लिखेंगे ह ल, हल। देखो हल कहाँ पर है? हा से क्या होता है? हा से हल, हल क्या होती है? हा से हाथी। और लासे? लासे लड्डू। वेरी गुड। देखो लासे लड्डू कहाँ पर है? ये देखो ह ग, आपने हग लिख दिया, ये तो रॉन्ग हो गया। ह ल हल, लासे लासे लड्डू। वेरी गुड। ओके ये क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिख दें घ र, सॉरी अगेन घ र घर। ओके लिख के दिखाओ, घ र घर। तो गाइस अभी आपने देखा कि हम किस तरीके से बच्चों को दो अक्षर के शब्द, यानी कि जो हमारा हिंदी
सीखने का जो कॉन्सेप्ट होता है उसके अंदर सबसे पहले हम स्वर व्यंजन के बाद अगर लेते हैं तो वो हमारे दो अक्षर के शब्द होते हैं, फिर तीन अक्षर के शब्द लेते हैं, उसके बाद फिर हम चार अक्षरों के शब्द लेते हैं। लेकिन गाइस अगर आपने देखा हो तो जो मैंने शब्द यहाँ पर लिखे रहते हैं, जिन शब्दों से मैं यहाँ पर रचना करी थी, जैसे रा थ रथ द स दस, तो क्या होगा कि बच्चा देख कर भी उस चीज़ को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है। जैसे कि मैंने कहा था कि हा ल हल, लेकिन उस टाइम पे बच्चे ने क्या करा, हा और गा को मिक्स कर दिया, तो वहाँ पे उसको चीज़ समझ में नहीं आ पाई, यानी उसको उस टाइम पे वो शब्द समझ में नहीं आ पाया कि मैंने क्या कहा, हा ल हल या हा गा हग। तो इसी चीज़ के साथ मैंने दोबारा एक बार फिर से घ र घर, लेकिन बच्चे को जो ये छा से छतरी अगर आपको दिख रहा होगा, तो जो छा से छतरी है और ये घास से घर है, इसके अंदर बच्चा कई बार कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि दोनों की जो शेप है, जो दोनों की जो बनावट है वो एक जैसी है, लेकिन बच्चे इसी चीज़ के थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमको यहाँ पे ध्यान देना चाहिए और यहाँ पे इस लाइन को। आपसे क्या कहा था, घ र घर, ये क्या है, और ये क्या है, छा से छतरी, घ र घर, ठीक है, ओके। आप लिख के दिखाओ, च ल चल, वेरी नाइस, गिव मी हाई फाइव। कर क्या बनाई, कर, वेरी नाइस, ओके। ये क्या है, अब इसके साथ का को मिक्स कर दो, का को ज्वाइन कर दो, गुड। क्या लिखा भाई, ये वेरी गुड, देखो थन, वेरी गुड, गिव मी हाई टेन, गिव मी हाई टेन। सो गाइस इस तरीके से हम इस एक्टिविटी के साथ बच्चे को हिंदी के अधिकतर शब्दों का बोध करवा सकते हैं। बच्चे जो कंफ्यूज हो सकते हैं, कई बार हम अगर बच्चों को बताते हैं तो बच्चा नहीं लिख पाता, इस एक्टिविटी के साथ बच्चा अच्छी तरह उसको सीखेगा, उसको समझेगा, समझने के बाद उसको करने की भी कोशिश करेगा। सो गाइस ये हमारी हिंदी सीखने का एक पहला कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मैंने जो है जिसके अंदर मैंने दो अक्षरों के शब्द वाले ही यहाँ पे मैंने कुछ शब्द लिए थे, जैसे रथ रथ दस दस जग जग हल हल। तो गाइज इन्हीं अक्षरों से आप बहुत सारे अक्षर भी बना सकते हो। गाइज ये आपको सिखा, ये आपको दिखाने का एक छोटी सी वीडियो थी जिससे आप घर के अंदर अपने बच्चों को हिंदी का कॉन्सेप्ट सिखा सकते हो। सो गाइज अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और गाइज प्लीज़ बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपके सामने में स्पेशल एजुकेशन से जुड़ी हुई वीडियो मैं आपके सामने लाता रहूं। सो गाइस थैंक यू, सो नाउ बाय बाय।